हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर क्लासेस। आज के वीडियो लेक्चर में हम डीबीएमएस के कुछ 2100 बेस्ट क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि ये 15 क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। जिस प्रकार से आपको दिख रहा है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कंप्यूटर टीचर, सीपीसीटी, हिंदी, इंग्लिश टाइपिंग, KVS मतलब केंद्रीय विद्यालय, PEB प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड तथा DSSSB तथा पटवारी तथा BCMC तथा PGDCA तथा DCA के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तथा इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल सुपर क्लासेस लाइव के नाम से सर्च करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 2100 MCQ बिना टाइम वेस्ट करे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन द रिलेशनल डेटाबेस कॉर्डिनेलिटी इन द टर्म एस। इसमें ये पूछा गया है कि रिलेशनल मॉडल में कॉर्डिनेलिटी को क्या कहा जाता है। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जब दो टेबल कोऑर्डिनेट होती है, मतलब जुड़ती है, उसे कोऑर्डिनेलिटी कहा जाता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि रिलेशनल मॉडल में कोऑर्डिनेलिटी इसमें किसे कहा जाता है। फर्स्ट है ए, नंबर्स ऑफ टपल्स को कहा जाता है। बी है ए, नंबर्स ऑफ एट्रीब्यूट्स को कहा जाता है। सी है द नंबर्स ऑफ टेबल्स को कहा जाता है। या डी है द नंबर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स को कहा जाता है। तो इसमें बताना है रिलेशनल मॉडल में कॉर्डिनेलिटी को क्या कहा जाता है, कॉर्डिनेलिटी। आंसर इसका नंबर ऑफ टपल्स। तो हम देख लेते हैं टपल्स क्या होते हैं। जो सिंगल रो होती है हमारी, उसे टपल कहते हैं, तथा जो हमारे कॉलम्स होते हैं उसे एट्रीब्यूट कहा जाता है, तथा जब दो टेबल आपस में मिलती है तो उसे रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नंबर्स ऑफ टपल्स। इसमें हम देख लेते हैं कि जो यूनिक आईडी होती है उसे प्राइमरी की कहते हैं। जैसे कि नेक्स्ट टेबल अगर दूसरा टेबल है तो वहाँ पे जो यूनिक आईडी होगी इस प्राइमरी की के आगे वो ऐसे फॉरेन की कहलाएगी। ठीक है, जिस प्रकार से ये कॉलम नेम है उसे एट्रीब्यूट कहा जाता है, तथा जो सिंगल टपल्स होते हैं उन्हें जो सिंगल रो होती है उन्हें टपल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो कितने टपल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कोऑर्डिनेलिटी है, तथा इसके अंदर जो डेटा होता है उसे एट्रीब्यूट वैल्यू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिलेशनल कैलकुलस इनमें से क्या है। तो रिलेशनल कैलकुलस में इसमें किस चीज़ में होता है, रिलेशनल कैलकुलेशन किस लैंग्वेज में होता है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज या नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज या डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। तो रिलेशनल कैलकुलेशन या कैलकुलस उसे नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज कहा जाता है। आंसर इसका नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द वे ऑफ टोटल डेटाबेस कंटेंट इज। क्वेश्चन है द वे ऑफ टोटल डेटाबेस कंटेंट इज, क्या वो कॉन्सेप्चुअल व्यू होता है, वो इंटरनल व्यू होता है, या एक्सटर्नल व्यू होता है, या फिजिकल व्यू होता है। तो द वे ऑफ टोटल डेटाबेस कंटेंट इज अ कॉन्सेप्चुअल व्यू होता है। ठीक है, आंसर इसका कॉन्सेप्चुअल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ए रिलेशनल एलजेब्रा। कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशनल एलजेब्रा इनमें से क्या होता है, वो यूनरी ऑपरेटर होता है, वो बाइनरी ऑपरेटर होता है, या टर्नरी ऑपरेटर होता है, या ये इनमें से कुछ नहीं होता। ये देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी DSSSB का एग्ज़ाम होने वाला है, तथा उसके साथ साथ आपको
केवीएस का एग्जाम भी है, हाँ सॉरी केवीएस नहीं, एकलव्य का एग्जाम है। तो ये सभी आपका कंप्यूटर वाला जो 5 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस वो तो आपको जनरल नॉलेज के मिलेंगे ही, साथ में आपका बेसिक्स नॉलेज जो इंटरनल कितना आपका टेक्निकल स्ट्रांग है ये देखा जाएगा। तो आपके जो इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है जैसे कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डीबीएमएस हो गया, इंटरनेट हो गया, ओके, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपके सब्जेक्ट है, इनमें से कोर टेक्निकल नॉलेज आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हमारी पूरी की पूरी वीडियो है जिसमें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चंस हैं, तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इन्हें रिलेशनल एलजेब्रा इनमें से क्या कहा जाता है? तो आंसर है इसका यूनरी ऑपरेटर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इन्हें रिलेशनल एलजेब्रा इज कॉल्ड, हाँ सॉरी बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, ओके, बाइनरी ऑपरेटर क्या कहेंगे उसे, बाइनरी ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, डीएमएल इज प्रोवाइडेड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें से क्या प्रोवाइड करता है? ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस, ऑप्शन बी है एडिशन ऑफ ए न्यू स्ट्रक्चर इन ए डेटाबेस सिस्टम, या ऑप्शन सी है मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द डेटाबेस, ऑप्शन डी है द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। तो डीएमएल पूछा ना, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहाँ है? ये देखो मैनिपुलेशन प्रोसेसिंग ऑफ द डेटाबेस, ऑप्शन सी डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 6, एस कॉस का क्या मतलब होता है? एस कॉस का क्या मतलब है इन एसक्यूएल में? तो सिलेक्शन ऑपरेशन होता है या रिनेम ऑपरेशन होता है, जॉइन ऑपरेशन होता है या प्रोजेक्शन ऑपरेशन होता है? तो आंसर इसका रिनेम ऑपरेशन, ठीक है। इस रिनेम ऑपरेशन के लिए हम एस क्लॉज का यूज करते हैं एसक्यूएल। क्वेश्चन नंबर 7, ओडीबीसी स्टैंड फॉर, ओडीबीसी का परफॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी, या ओरल डेटाबेस कनेक्टिविटी, या ओरेकल डेटाबेस कनेक्टिविटी, या ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस कैन बी व्यूड एज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस कैन बी व्यूड एज। तो 2 लेवल होता है, 4 लेवल होता है, 3 लेवल होता है, या 1 लेवल होता है, ठीक है। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर का व्यू बताना है कितने लेवल का होता है, तो आंसर इसका 3 लेवल का, ठीक है, 3 लेवल। क्वेश्चन नंबर 9, इन्हीं रिलेशनल मॉडल रिलेशन आर टर्म एस, ठीक है, वो टपल होता है, वो एट्रीब्यूट होता है, टेबल्स होते हैं या रो। तो कोई भी रिलेशन जब बनता है तो वो मल्टीपल टेबल्स के बीच में बनता है, तो उसे ही रिलेशनशिप कहते हैं, 2 टेबल्स के बीच में, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, टेबल, ओके, आंसर टेबल। क्वेश्चन नंबर 10, द डेटाबेस स्कीमा इज रिटन इन, डेटाबेस स्कीमा किसमें लिखा जाता है? वो DLL में लिखा जाता है, DML में लिखा जाता है, DCL में लिखा जाता है, या HLL में लिखा जाता है? तो आंसर है उसका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DLL में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द आर्किटेक्चर ऑफ ए डेटाबेस सिस्टम एक्सटर्नल लेवल इज द, क्वेश्चन नंबर 11, इन द आर्किटेक्चर ऑफ ए डेटाबेस सिस्टम एक्सटर्नल लेवल इज द, वो फिजिकल लेवल होता है, लॉजिकल लेवल होता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है, या व्यू लेवल होता है? क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, द आर्किटेक्चर ऑफ ए डेटाबेस सिस्टम एक्सटर्नल लेवल इज द, तो एक्सटर्नल लेवल जो होता है वो व्यू लेवल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12,
The entity set does not have a sufficient attribute to from the primary keys. एक ऐसा entity set जिसमें attribute unsufficient पाया जाता है, ठीक है? आंसर है हाँ, क्या हो सकता है? तो strong entity है या weak entity है या simply सिंपल एंटिटी है, प्राइमरी एंटिटी है, डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट, तो क्या हो जाएगा हमारा? वीक एंटिटी, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? वीक एंटिटी। ओके, एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? इन ए हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड आर ऑर्गेनाइज्ड एज, वो हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज ग्राफ लिस्ट लिंक या ट्री। तो हायरार्किकल जो फॉर्म होता है मॉडल का, इन रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट में ट्री लेवल का होता है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? इन ईआर डायग्राम एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ईआर डायग्राम एट्रीब्यूट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है? रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, इलिप्स या ट्रायंगल में? तो आंसर उसका इलिप्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इन केस ऑफ एंटिटी इंटीग्रिटी द प्राइमरी की में भी, वो नॉट नल होती है, नल होती है, बहुत नल या नॉट नल होती है? ऑप्शन डी, एनी वैल्यू। तो इन केस ऑफ एंटिटी इंटीग्रिटी द प्राइमरी की मे बी नॉट नल, आंसर इज नॉट नल। तो इस प्रकार से हमारा 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और हम नए 15 क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखिएगा, DSSSB और एकलव्य स्कूल या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो टीचर का होता है, तो उसमें आपका सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेक्निकल नॉलेज पूछा जाएगा। अगर टेक्निकल नॉलेज आपका स्ट्रांग है तो आपके परसेंटेज सक्सेस होने के ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग तो आप पढ़ते ही रहते हैं। ओके, थैंक यू। इस प्रकार के वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा।